भगवान श्री कृष्ण को पांच चीजों से बहुत प्रेम है। एक तो है उनकी बांसुरी, जो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। दूसरी गाय, जिनके साथ कृष्ण का सखा के समान व्यवहार है। इसी तरह कृष्ण को माखन मिश्री, मोर पंख और कमल अति प्रिय है। कृष्ण का इनके प्रति प्रेम का उद्देश्य मनुष्य को जीवन के कई रहस्यों एवं ज्ञान से परिचय कराना है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में तीन गुण है। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गौ अत्यंत प्रिय है। दरअसल गौ सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन्हें पंचगव्य कहते हैं। मान्यता है कि इनका पान कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, अथा प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को समाहित करने के प्रतीक रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों का तथा हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल यह संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका बताता है कमल। कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किसी प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए।